नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? यदि आप आए दिन रेल यात्रा करते हैं तो पटरी को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर पटरी पर पत्थर क्यों रहते हैं, इसकी जगह किसी दूसरी चीज़ का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। आज तक आपने रेल की जितनी भी पटरी देखी होंगी उन सभी में आपको ये नुकीले पत्थर ज़रूर दिखे होंगे। आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूँ। रेल का ऐसा साधन है जिसमें यात्रा लगभग सभी आम लोगों ने की है, लेकिन रेल में भी कई ऐसी बातें हैं जिनका ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। ट्रेन की पटरी देखने में जितनी साधारण होती है, हकीकत में वह इतनी साधारण नहीं होती है। उस पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, इसे ब्लास्ट कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की दो लेयर में मिट्टी होती है और इन सब के नीचे नॉर्मल ज़मीन होती है। हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि पटरी को साधारण ज़मीन पर बिछा दिया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। इस पटरी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रैक साधारण ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। पटरी के नीचे कंक्रीट के बने स्लीपर, फिर पत्थर और इसके नीचे मिट्टी रहता है। इन सभी चीज़ों के कारण ट्रैक साधारण ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर होता है। दोस्तों, लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है, जिसे सिर्फ पटरी संभाल नहीं सकती। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक, कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोड इन पत्थरों पर भी होता है। पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। ट्रैक पर बिछाई जाने वाली गिट्टी खास तरह की होती है। अगर इसकी जगह गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया तो वह एक दूसरे से फिसलने लगेंगे और पटरी स्थिर नहीं रहेगी, इसलिए पटरी में नुकीले और रफ पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इन पत्थरों को गिट्टी भी कहते हैं। ये नुकीले होने के कारण एक दूसरे में मजबूत पकड़ बना लेते हैं। जब भी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो ये पत्थर आसानी से ट्रेन का भार संभाल लेते हैं। ट्रैक पर बिछे पत्थर पटरी के नीचे लगे कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रहने में मदद करते हैं। यदि ट्रैक पर ये पत्थर नहीं होंगे तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे और इनको ट्रेन का वजन संभालने में भी दिक्कत होगी। दोस्तों, यदि ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर जाएगी। अगर ट्रेन के ट्रैक में पेड़ पौधे उग गए तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भी पटरी पर पत्थर रहते हैं। जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होती है और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर भी बिछाए जाते हैं। पटरी पर गिट्टी बिछाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि पटरियों में जल भराव की समस्या ना हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वह गिट्टियों से होते हुए ज़मीन पर चला जाता है, इससे पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा ट्रैक में बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ट्रेन का ट्रैक किस तरह से बनाया जाता है और इस ट्रैक की पटरी पर पत्थर क्यों रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगर मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।